हेलो एवरीवन, हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो यार, ये सनराइज देख सकते हो, अभी टाइम बज रहे सुबह के 6:30। क्या ये मजेदार सनराइज है यार। इस सनराइज के साथ हाथ में गर्मा गर्म चाय हो और उसमें थोड़ा सा अमूल का बटर होता है, एक नंबर होता है। अभी चलते हैं, बहुत लेट हो रहा है। तो अभी मैं जस्ट पहुंच गया GTB नगर और सुबह सुबह ट्रैफिक नहीं था। GTB पहुंचने के लिए कुछ भी टाइम नहीं लगा, जितना हमें टाइम लगता था उसका हाफ, उससे भी हाफ। मतलब ये कह सकते थे 100 में से 25% टाइम ही लगा बस। सुबह सुबह ट्रैफिक वगैरह नहीं होता ना, सुबह सुबह उठने के यही फ़ायदा होता है। और सुबह सुबह उठ के इधर उधर जाने में जो फील होता है ना, फ्रेश फ्रेश, एक नंबर मज़ा आ रहा है बस। ऑल रेड में अभी आया था सरिता विहार साउथ दिल्ली, और इधर एक काम था, कुछ कार्ड वगैरह था मेरा एक टीचर का, उसने मुझे नोट्स वगैरह दिया था, उस नोट्स के बीच में था, वो मुझे लौटाना था। वो सर को मैंने लौटा दिया और सर ने मेरे साथ एक बैग भी भिजवा दिया जो कि नॉर्थ दिल्ली में देना है। सो मैंने लेके आया, सर ने भेज दिया। तो और अभी मैं साउथ दिल्ली में हूँ, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा ईरानी दम चाय पे। अभी नाश्ते का भी टाइम हो रहा है, टाइम बज रहा है कोई 9 बजा, और मैं काफ़ी टाइम से हैरानी चाय पे भी नहीं पहुंचा। वो वाली चाय बहुत अच्छा होता है। तो साउथ दिल्ली में हूँ तो उधर होके जाएंगे, यहाँ से कोई 8-9 मेट्रो स्टेशन है, तो और पता नहीं कब पहुंच पाते हैं साउथ दिल्ली। मतलब ओखला विहार सेट पहुँचते ही नहीं है नॉर्थ दिल्ली बैठेगा तो अभी मैं ओखला विहार चलता हूँ, उधर जाके चाय वाय पियेंगे। और यहाँ पर भी मौसम वगैरह बिल्कुल अच्छा है, आज मौसम अच्छा है लेकिन मौसम बिल्कुल क्लियर हो चुका है, थोड़ा सा ठंड है। सुबह सुबह आया था ना, बहुत ठंड था वाकई। तो इधर थोड़ा सा क्राउड है, पता नहीं किस चीज़ की क्राउड है, काफ़ी स्टूडेंट वगैरह दौड़ रहे एग्ज़ाम बोर्ड लेके, शायद कुछ एग्ज़ाम वगैरह होगा आज, पता नहीं। ज़्यादा ही क्राउड तो है, सारे बच्चे लोग जा रहे हैं, ये देख सकते हो आप लोग। सो सरिता विहार मेट्रो स्टेशन में मैं आ चुका है, यहाँ से मुझे जाना है सीधे वॉलेट लेन में टूवर्ड्स कश्मीरी गेट, देन मुझे कालका जी मंदिर पे चेंज करना है मेजेंटा लाइन में, देन ओखला विहार पहुँच जाएगा। ओखला विहार से भी वॉकिंग डिस्टेंस भी ही है ईरानी दम की, तो बस चलते हैं अभी यहाँ पे मेट्रो के लिए। देखो दूसरा मेट्रो आ रहा है, जल्दी आ जाओ यार, क्या करते हैं यार, कौन चला रहे बंदा। ओखला विहार मेट्रो स्टेशन पहुंच गया, अभी मैं करूंगा यहाँ से एग्जिट। ये बिरयानी भी बहुत फेमस है, हम्माद चिकन बिरयानी ओखला विहार में। व्यू कुछ ऐसा है, आज मौसम मस्त है ना तो व्यू अच्छा है। अभी जस्ट पहुंच गया ओखला विहार मेट्रो स्टेशन से, एग्जिट किया, अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ पे ईरानी दम पी पे, और ईरानी दम चाय और पराठा, सोच के मेरे मुंह में पानी आ रहा है क्योंकि एक नंबर होता है यार। सो मैं इसीलिए आया था कार्ड वगैरह देने के लिए साउथ दिल्ली, नहीं तो मैं किसी के हाथ भी भेज सकता था। साउथ दिल्ली के तो अपना फ्रेंड वगैरह चलते रहता है, नॉर्थ दिल्ली से कोई ना कोई फ्रेंड मिल ही जाता है, उसके हाथ भी भेज सकता था। और मैं इसीलिए भी आया था क्योंकि साउथ दिल्ली भी पहुंचे और ईरानी चाय पे भी पहुंच जाएगा। ईरानी चाय तो मेरा फेवरेट है ही, तो लगभग 1.5 महीने से नहीं पहुंचा होगा। और मैं फर्स्ट टाइम इधर आया था महबूब भाई के साथ, उसने मुझे दिखाया था। तो पिछले साल और उससे पहले साल तो हम बहुत आते थे महबूब भाई के साथ, वो भी दिल्ली में जाना, तो अभी वो दिल्ली से चला गया, वो वाराणसी बैठते हैं कि, तो बहुत घुमा था यार उसके साथ, बहुत यादें हैं दिल्ली में। क्योंकि मतलब ऐसे ही सब घूमने फिरने के लिए ज़्यादातर नहीं जाते थे वो, उसको एक कॉल करूँ मतलब रेडी रहता था। दोनों में सेम चीज़ें था, घूमने फिरने का बहुत शौक था। सैटरडे संडे हम जाते थे
इधर उधर सुबह से लेकर शाम तक, दो दिन हम कंटिन्यू घूमते थे, यहाँ वहाँ मिलते थे, फिरते थे, मूवी वूवी फलान सब के लिए बहुत मज़ा आता था। अभी ओखला विहार पहुँचते उसका बहुत याद आ रहा है, तो उसको बहुत मिस कर रहा हूँ, क्योंकि इधर तो आना जाना रहता, तो इस साइड भी रहता था, यहीं कहीं पे ही लाडो सराई इधर ही कहीं है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो इसके आसपास रहता था, उसका बहुत याद आ रहा है। चलो फिर अभी मैं जा रहा हूँ रानी रामटी पे, उधर ही मिलते हैं बड़े बड़े चाय के साथ और पराठे के साथ। सो ये आ गया अपना पराठा बटर के साथ। आय हाय हाय, मना हो और क्या, अरे काफी सारे चार लोग ले जाएंगे ना, हेलो एक नंबर सारे चार लोग। सो ये आ गया अपना ये चाय, सब लोग ही ऑल रेड। अभी नाश्ता वगैरह हो गया, नाश्ता बिल्कुल अच्छा हुआ, आज का नाश्ता एक नंबर था, क्योंकि फेवरेट यार ये रानी चाय वगैरह। और अभी मैं जा रहा हूँ जाकिर नगर की गली होके, रेड मैं अभी पहुँच गया हूँ जामिया नगर, और थोड़ा सा आगे चल के जाकिर नगर है, और मार्केट वगैरह अभी ओपन ही नहीं हुआ, अपन इतना जल्दी पहुँच गए, सुबह सुबह है ना आज में, और अच्छा भी लग रहा है। और मार्केट वगैरह ओपन होने के बाद बहुत क्राउड होता है, बहुत शोर होता है, लेकिन वो वाले शोर वो वाले क्राउड देखने को नहीं मिल रहा है। और जैसे कि दिल्ली सिटी में फेमस फेमस खाना मिलता है ना, असलम चिकन बोलो, जहरा बोलो, उसी तरह उसका भी ब्रंच वगैरह यहाँ पर भी खुला है। ये भी मतलब साउथ दिल्ली में बहुत अच्छा खाना मिलता है, नॉन वेज वगैरह। रेड मैं अभी पहुँच चुका हूँ जाकिर नगर, और यहाँ पर रहमानी मस्जिद के पास भी पहुँच चुका हूँ। मैं आप लोगों को मस्जिद दिखा देता हूँ, ये साउथ दिल्ली की सबसे बड़ा मस्जिद है, ये देख सकते हो, माशाल्लाह क्या ही बनाया है, बढ़िया बनाया है, मस्त। तो या मोस्ट ऑफ द टाइम मैं यहाँ पे बिस्मिल्लाह जूस एंड शेक्स पे जूस पीने के लिए आता था जब मैं साउथ दिल्ली पहुँचता था जामिया नगर। अभी तो ये खुला भी नहीं है, आगे और एक है, यहाँ पे बहुत अच्छा मिलता था, क्योंकि मैंने यहाँ से काफ़ी टाइम ट्राई किया था, इसीलिए मैं यहाँ पर आया था। ये तो उस चौक पर भी एक है, लेकिन मैं अंदर आया था इधर ही देखने के लिए, लेकिन ये अभी ओपन नहीं हुआ है, तो वापस चलते हैं, मैं आगे मिलेंगे। और सो फाइनली आ चुका है बनाना शेक, इसको एंजॉय करते हैं। सो मैं कह रहा था ना सुबह से आज मौसम बिल्कुल बढ़िया है बोल के, आज बिल्कुल कड़कती धूप भी आया है, बहुत गर्मी वाला धूप है आज, मज़ेदार एक नंबर। और जामिया नगर घूम के बहुत मज़ा आया, जाकिर नगर भी घूमा, जामिया नगर बाड़ला हाउस सब घूमा, बस बहुत मज़ा आया साउथ दिल्ली में पहुँच के, और थोड़ा सा एंजॉय किया, जूस वगैरह भी पिया। अभी मैं जा रहा हूँ आगे की तरफ ओखला विहार, और वहाँ पे अपना रजा भाई को थोड़ा सा मिल के जाएगा, पहले भी मैंने उसको फ़ोन वगैरह किया था नाश्ते के लिए, सो तब वो सो के होगा शायद, फ़ोन नहीं उठाया, अभी कॉल बैक आया, तो अभी जाते जाते उसको मिल के जाएंगे। सो अभी मैं हूँ जी जामिया नगर के कब्रिस्तान में, और यहाँ पे दुआ सलाम फातिहा वगैरह करके निकल जाएंगे। और मैं आप लोगों को एक चीज़ कहना चाहता हूँ, सो जिसके भी ज़िंदगी में कुछ घमंड ये नखरा वगैरह आए तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि जाना तो हमें इसी में ही मिट्टी के नीचे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक नहीं एक दिन तो जाना ही है ना, कोई आगे तो कोई पीछे चला ही जाता है। सो मरने का याद वगैरह करना, ऑटोमेटिकली वो नखरा घमंड वगैरह सब कुछ उतर आएगा, और अपने पे डिपेंड रहो, तो अपने लिए अच्छे चीज़ें करो, क्योंकि हमें जो हम अच्छा ही करेगा, जो हम अच्छा करेगा वही हमें नीचे लेके ही जाना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करिए जितना हो सके। भाई सलाम अलैकुम, बढ़िया 10 बार फोन किया तू आया नहीं, मैंने नाश्ता वगैरह किया, इधर उधर घूमा, भाई सो के था वो अभी आ गया, थोड़ा भाई के साथ इधर घूमते हैं देन चले जाएंगे। और एक बार हम आ चुके हैं रानी डमटी पे अपना रजा भाई के साथ, इस बार रजा भाई पराठा कब आएगा बोला था भैया, ओ यार तुम तो रोज इधर आते, तुम्हारा सुन ही नहीं रहे, थोड़ा सा जोर से
हाँ जाओ जाओ, जल्दी जल्दी करो जल्दी, अपने पास टाइम मत है। आ गया। ओ ये देखो, ये हुआ ना बात। और रेड, अभी मैं वापस जा रहा हूँ और अपना राजा भाई जामिया मिलिया मेट्रो स्टेशन पर छोड़ने के लिए जा रहे। हाँ जैसे भाई वापस आएगा ना वो आपको दे दूँगा, ऐसा लग गया ठीक हो ही जाएगा। हाथी से लग गया, बीच में पेड़ वगैरह गिर गया रास्ते में चलते चलते, तो अनहोनी होते रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलते हैं राजा भाई, लेट भी हो रहा है। एक तो यहीं पे बच गया, लेकिन दो ढाई उधर और कर दी पक्का। ओके सैटरडे संडे को आना ठीक है पक्का। सो यार अभी मैं लाजपत नगर में उतर गया क्योंकि अभी खाने का टाइम हो रहा था और वजीराबाद में पहुँच गया तक तो भूख लग रहा था। सो मैंने सोचा कि यहाँ खाना वाना खा के जाते हैं, लाजपत नगर में मस्त अफगानी खाना मिलता है। सो अभी मज़ार वज़ार में जाते हैं, खाना खाते हैं, दिन उसमें निकल जाएंगे। सो यहाँ मज़ार रेस्टोरेंट पहुँच गया और मैंने ऑर्डर भी किया पुलाव और चिकन सीख कबाब और लस्सी वगैरह। सो अभी ऑर्डर भी पूछने वाला है, हाथ वगैरह धो के सीधा खाने के लिए चलते हैं। ऑर्डर मैंने कर लिया बस। ऑल राइट, अभी खाना वाना सब कुछ हो गया, बस अभी और एक काम बचा है, यहाँ से जाना है जी टी बी नगर ये बैग छोड़ना है, देन सीधे वजीराबाद के लिए निकल जाएंगे। जी टी बी वही मेट्रो स्टेशन पे आएगा बैग लेने वाला, तो बस यही एक काम है, जी टी बी जाके बैग छोड़ना है देन वजीराबाद के लिए निकलना है बस। ऑल राइट, अभी मैं जस्ट जी टी बी नगर पहुँच गया और सर ने जो बैग भेजा था वो भी दे दिया। यहाँ पे गेट नंबर एक पे बुलाया था, नहीं तो मैं गेट नंबर टू से एग्ज़िट करता था। यहाँ पे गेट नंबर एक पे एग्ज़िट करके वो बैग वगैरह दे दिया। गेट नंबर टू की तरफ जा रहे क्योंकि उधर से ऑटो मिलता है वज़ीराबाद के। ऑल राइट, सो फाइनली मैं रूम पे पहुँच गया और अभी टाइम बज रहा है 5:30, कोई मैं सुबह के 7:30 निकला था, 7:30 इतना मैं याद नहीं भूल गया, जस्ट पहुँचा 5:30 बज रहा अभी टाइम शाम के। और अभी आते आते मैंने और एक कवर ले गया था और मुझे कवर नहीं जम रहा आजकल, ये देख सकते हो 3 कवर हो गया। पहले ये मैंने पर्पल लिया था, फिर ब्लैक शीशा वाला, आज ये बफर वाला ले के आया, तो आज थोड़ा सा कंफर्टेबल वाला। मैंने ये दूसरा वाले में हाथ फिसल रहा था, पहला वाला जल्दीबाजी में लिया था, कलर ख़ास में मज़ा नहीं आया, तो और एक ब्लैक ले के आया, ये ट्राई करते हैं। और अभी तक वीडियो में बने रहिए तो लाइक करे बिना बिल्कुल भी मत जाना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, कमेंट वगैरह बिल्कुल करना, कमेंट वगैरह पढ़ने में मज़ा आता है और मैं सारे कमेंट का रिप्लाई भी करता हूँ। तो आज की वीडियो को यहीं पेंड करते हैं, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। ओके बाय।